नमस्कार, मैं सीमा कौशिक। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंस्टेंट डोसे की रेसिपी, जो कि आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। और इसके लिए आपको ज़्यादा लंबा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ता, आप फटाफट इसे बना सकते हैं, सिंपल डोसे के रूप में खा सकते हैं, या आप मसाला डोसा भी बना के खा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीमा की रसोई यम्मी व सिंपल रेसिपीज़ का अवार्ड विनर कुकिंग चैनल अभी सब्सक्राइब कर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए है रवा, जिसे सूजी भी बोलते हैं, और आपके पास में जो भी है बारीक वाले या मोटे वाले तो आप ले सकते हैं, और मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक कटोरी लिया मैंने और ये छन्नी में डाल के छान लिया है, तो इस तरह छान लेना है। और इसके बाद में आधा कटोरी सूजी और लिया मैंने, तो ये मैंने डेढ़ कटोरी रवा लिया है। और इसके साथ में मैंने लिए है दो कटोरी दही, तो दही ज़्यादा पुराना नहीं लेना, और डेढ़ कटोरी के साथ में दो कटोरी मैंने दही लिया है। तो दही को हम सूजी में डाल देंगे। तो अच्छे से दही को सूजी में मिला देना है, इस तरह मिक्स कर लिया मैंने। और इसके बाद में जिस कटोरी से हमने दही डाला है उसी से मैंने पानी लिया है, तो यहाँ पे ये मैंने दो कटोरी पानी डाला है। तो दो कटोरी दही और दो कटोरी पानी हो गया है, डेढ़ कटोरी सूजी के साथ में, और अच्छे से इस तरह मिला लेना है। अच्छा घोल तैयार कर लेना है मिला के इस तरह का, और रख देंगे अभी हम। और ये मैंने चार आलू लिए हैं, जिसे उबाल के तैयार कर लिए हैं, छिलका निकाल दिया मैंने। तो आलू की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आप गिलास से भी आलू को इस तरह बारीक कर सकते हैं। तो इस तरह अच्छे से बारीक कर लेना है, मसाले के लिए आलू तैयार करने हैं आपको, और इस तरह मैंने बारीक कर लिया है। और इसके साथ में मैंने लिया है यहाँ पर आधा नींबू, तो नींबू का रस डाल देंगे, और साथ में दो हरी मिर्ची, हरा धनिया लिया है। आप प्याज अगर डालना चाहते हैं तो आप साथ में प्याज भी डाल सकते हैं। एक चम्मच डालेंगे हम नमक, तो नमक भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और इसके साथ में लिया है चौथाई चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, और साथ में हम डालेंगे यहाँ पर आधा चम्मच चाट मसाला। और इसके साथ में मैंने यहाँ पर लिया है सूखा पुदीना, जो कि मैंने घर पर सूखा के तैयार किया है। इसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक दे दूँगी आपको इस वीडियो के नीचे। और दो चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे टमाटर सॉस, और अच्छे से मिला के हम मिक्स कर लेंगे, मसाला तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो छोका लगा के भी मसाला तैयार कर सकते हैं, और इस तरह का बग़ैर तेल का भी मसाला तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आपकी इच्छा है जैसे आप मसाला तैयार करना चाहते हैं डोसे के लिए। और ये मैंने डोसे के लिए मसाला तैयार कर लिया है इस तरह का, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है। और इसके बाद में जो हमने घोल बनाए हैं, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, सूजी अच्छे से फूल गई है, तो भिगो के रखना ज़रूरी होता है 15-20 मिनट के लिए, ताकि सूजी भीग जाए अच्छे से फूल जाए। और इसके बाद में यहाँ पे मैंने दो चम्मच लिए है, जो कि आपको दिखाई है, बड़ी साइज़ भी होती है छोटी भी होती है। तो यहाँ पे एक चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, अगर आप बड़ी चम्मच ले रहे हैं तो आधा चम्मच आप डाल सकते हैं, तो छोटी चम्मच है इसलिए मैंने यहाँ पे एक चम्मच डाला है। आप बेकिंग पाउडर की जगह इनो भी डाल सकते हैं, और इस तरह आपको घोल तैयार कर लेना है। तो घोल बनाते समय आप जब घोल बनाएं तब आपको इनो या बेकिंग पाउडर नहीं डालना, जब आपको इडली या डोसा बनाना हो उस समय आपको बेकिंग पाउडर और इनो डालें, इससे आपके डोसा इडली जो भी बना रहे हैं बहुत अच्छा बनेगा। और अच्छे से इस तरह मिक्स कर दिया मैंने। और इसके बाद में अभी हमें नमक डालना बाकी है, हमने नमक भी नहीं डाला था घोल बनाते समय, तो अभी हम नमक डालेंगे एक चम्मच। और हल्का सा मेरे को जीरा नज़र आ गया है नमक के साथ में, तो वो मैं निकाल रही हूँ, और ये एक चम्मच मैंने डाला है। तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। तो घोल को पतला रखना है, गाढ़ा आपको घोल नहीं रखना डोसे के लिए, इस तरह का पतला घोल मैंने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अच्छे से मिला दिया है मैंने नमक और बेकिंग पाउडर को। और इसके बाद में मैंने लिया है दो चम्मच टमाटर सॉस में एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, तो लाल मिर्ची कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये हम डोसे के लिए सॉस बनाएंगे, जो टमाटर सॉस है उसमें हम मसाला डाल के इस तरह सॉस तैयार करेंगे। एक चम्मच डाल रहे हैं मैंने धनिया पाउडर,
और आधा चम्मच चाट मसाला, नमक मैंने नहीं डाला, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। और इस तरह आपको सॉस मसाला डाल के तैयार कर लेना है डोसे के लिए। और यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है, पैन गर्म होने के बाद में हम पानी डालेंगे ताकि ध्यान रहे कि पैन गर्म हुआ है कि नहीं, और इस तरह पोंछ देना है। तो शुरुआत में आपको फुल गर्म करने के बाद में फिर आपको गैस की आंच कम कर देनी है और फिर हम तेल डालेंगे, और तेल डालने के बाद में फिर हम हल्का सा कपड़ा वापस घुमा देंगे। इस तरह अच्छे से घुमा दिया मैंने, तो ये हमारा पैन तैयार हो गया है। और गैस की आंच को कम कर देना है और घोल बना लिया है, जो थोड़ा सा इस तरह वापस घुमा देना है पैन में डालने से पहले हल्का घुमा के, और फिर हम पैन में डाल लेंगे। तो पहले आपको सीधा नहीं डालना, हल्का सा तेल डालना है। हल्का सा तेल डालने के बाद में फिर हम घोल जो तैयार कर चुके हैं वो हम डाल लेंगे, और इस तरह देखिए घोल डाल देना है। और इस तरह थोड़ा सेट कर देंगे, और अच्छे से सेट हो जाए तब गैस को फुल कर देना है। और जब आपको लगे कि हल्का हल्का पकड़ गया है डोसा, और तब आप हल्की सी कड़छी को घुमा सकते हैं आवश्यकता आपको लगे तो, नहीं तो ना भी घुमाए तो चलेगा। और फिर आप ढक्कन लगा के और गैस की आंच को थोड़ा मीडियम करके थोड़ा पकाना है। इस तरह मैंने गैस की आंच को मीडियम कर दिया है। जब पक जाए तब आप इस तरह पलट लें ताकि दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए डोसा, और गैस की आंच को फिर वापस हम फुल करके फिर हम ढक्कन लगा के पका लेंगे, और फिर हम वापस पलटेंगे। आपको पलट के और दिखा दूँ, ये देखिए तो कच्चापन चला जाता है इस तरह, दोनों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से जाली बन गई है डोसे में, और डोसा हमारा बन गया है। और गैस को मैंने बंद कर दिया फ़िलहाल, और फिर हम थाली में निकाल लेंगे और आपको दिखा दूँ। देखिए दोनों तरफ से तो बहुत ही अच्छा हमारा डोसा जो है बन के तैयार हुआ है, ये देखिए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। अगला भी हम बना लेंगे, और शुरुआत में गैस को थोड़ा फुल रखें ताकि गैस फुल रखेंगे तो आपका पैन जो है फुल गर्म होगा तो आपका डोसा सही बनेगा। और इस तरह आप घोल डाल के पैन को इस तरह थोड़ा घुमा लें, आपको कड़छी घुमाने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो घोल आप पतला रखें, गाढ़ा घोल नहीं रखें तो आपका जो डोसा बना रहे हैं बहुत अच्छा बनेगा। और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लगे घोल डालने की वहाँ वहाँ आप डालते जाएँ, और डालने से पहले थोड़ा सा घोल को इस तरह घुमा के फिर डाल लें और फिर ढक्कन लगा के पका लें, और बीच बीच में थोड़ा चेक करते रहें। जब आपको लगे कि हाँ ये पक गया है, किनारियाँ अलग हो रही हैं, तभी आप पलटें, नहीं तो आप वापस ढक्कन लगा के थोड़ा और पका लें। और थोड़ी देर में देखिए अच्छे से लगने लग गया है कि हाँ किनारियाँ पक गई हैं, हटने लग गई है, तब आप डोसे को इस तरह हाथों से भी हटा सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस है तो, ये देखिए। और दूसरी तरफ से हम पका लेंगे, और इस तरह मैंने वापस ढक्कन लगा दिया है। शुरुआत में आपको फुल आंच पे गरम कर लेना है, और फिर आप कम आंच पे पकाएं, और घोल को थोड़ा इस तरह घुमा के थोड़ा मिक्स करते रहें साथ में। और ये देखिए मैंने अच्छे से दोनों तरफ से पका लिए हैं डोसे को। तो अभी हम पलटेंगे वापस, और ये देखिए ये तैयार हो गए हैं। तो ये भी हम इसमें टमाटर सॉस जो हमने तैयार किया है वो हम लगाएंगे पहले, ये हम मसाला डोसा तैयार कर रहे हैं इसके लिए। तो इस तरह लगा के तैयार कर देना है। तो टमाटर सॉस में मसाला इसलिए डाला है, कईयों को तीखा पसंद होता है, अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप सीधा सिंपल टमाटर सॉस भी लगा सकते हैं, कोई भी मसाला नहीं डालें, सीधा सिंपल जो टमाटर सॉस होता है वो भी आप इस तरह लगा सकते हैं। और इसके बाद में जो हमने मसाला तैयार किए हैं वो हम डोसे पर लगा देंगे इस तरह। और यहाँ पे मैंने इस तरह जो मसाला बनाया था आलू का वो लगा दिया है, तो आप मसाला अपने हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप मसाला थोड़ा कम डालें। और इसके बाद में ऊपर मैं थोड़ा सा टमाटर सॉस डाल रही हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बड़ों को सबको टमाटर सॉस बहुत पसंद आता है। और इसके बाद में हल्का सा मैं पुदीना सूखा जो है वो डाल रही हूँ, अगर आपके पास में है तो आप ज़रूर डालें, या सूखी मेथी है तो वो डाल सकते हैं।
और एक तरफ से इस तरह उठाएंगे और मसाले के ऊपर चिपका देंगे, इस तरह सेट कर देंगे। और दोनों तरफ से इस तरह मैंने सेट कर लिया है, तो हमारा मसाला डोसा भी तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप मसाला डोसा भी बना के घर वालों को खिला सकते हैं, खुद खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने आपको बहुत ही आसान विधि बताई है, तो इस तरह मैंने प्लेट में निकाल लिए डोसे को, और बाकी भी इसी तरह बना लेंगे जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है। तो जितना आप गोल पतला रखेंगे उतने ही आपके जो डोसे हैं अच्छे बनेंगे, और आपको कड़छी से घुमाने की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ जहाँ आपको लगे वहाँ वहाँ आप गोल डाल के इस तरह डोसा तैयार कर लें। और जब अच्छे से गर्म हो पैन तब आप गोल डालें, उसके बाद में ढक्कन लगा के फिर कम आँच में आप पका लें, और बीच बीच में थोड़ा चेक करते रहें, जब आपको लगे कि पक गया तब आप पलटें, तो आसानी से ये पलट सकते हैं आप इस तरह, ये देखिए, और वापस ढक्कन लगा के फिर पका लेना है। और ये देखिए मैंने सारे जो डोसे हैं बना के तैयार कर लिए हैं। तो आप प्लेन डोसा भी खा सकते हैं, आप मसाला डोसा भी बना के खा सकते हैं, और बहुत ही सिंपल सीधी सी रेसिपी है, और हर कोई बना के खा सकता है, सबको खिला सकता है। तो इस तरह हमने सूजी के झटपट डोसे बना के तैयार कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा की रसोई यम्मी व सिंपल रेसिपीज का अवार्ड विनर कुकिंग चैनल अभी सब्सक्राइब करें। और ये वो कमेंट हैं जो मेरी पिछली रेसिपी में आए थे, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को इसी तरह देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस रेसिपी में जो भी कमेंट आएंगे वो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।